लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओ, तो उठ गई आप। ये लो चाय। मेरे कपड़े? कुछ याद है कल रात को आपने क्या किया? क्या? अपनी और मेरी दोनों की हालत खराब कर दी। भांग के लड्डू खाए, बारिश में भीगी। कपड़े ना उतारता तो तुमने मेरे कपड़े उतारे? तो और कौन उतारता? ठीक है, कपड़े तुम्हें बीमार कर देते तो? वैसे घबराओ मत, जो कुछ भी किया कंबल के नीचे इन हाथों ने किया, इन आंखों ने कुछ नहीं देखा, मां कसम। माँ, मेरी माँ गई बाहर। मेरी माँ ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो मेरा क्या होगा? प्लीज कपड़े पहन लीजिए, प्लीज प्लीज। तुम बाहर जाओगे तब पहनूंगी मैं। बाहर? हाँ, बाहर बाहर। अरे अरे, बाहर 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 बाहर। माँ तू आ गई। माँ कैसे गए दर्शन के मेले? मेले के दर्शन? मेरा मतलब है कि शिवजी के दर्शन। कैसे गए माँ? क्या बात है भैया, सुबह सुबह उल्टा बोलने लगे। उल्टा? मैं उल्टा बोल रहा हूँ माँ? माँ तुम थक गई हो माँ, इतनी थक गई। अरे तुम्हारे शरीर पे इतनी थकावट है माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? हाँ बस मैं आई, इतनी दूर से माँ। तुम थक गई हो माँ, तुम क्या बात है, आज माँ का बड़ा ख्याल कर रहे। थका थक तुलसी जाते एक ग्लास पानी ला। थका थक थक पानी पानी तुलसी 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 पानी मैं लेके आता हूँ। तुलसी तुलसी तू आराम कर ले तुलसी। क्या बात है भैया, बहन का भी बहुत ख्याल करने लगे। लो बोलो, तुम लोग दोनों भगवान के दर्शन करके आओ। तुलसी तुलसी तू बैठ जा, पानी मैं लेके आता हूँ। तुलसी तू बैठ जा मेरी प्यारी है ना, बैठ जा तुलसी। मामी लड़की। माँ ये लड़की है, मैं मुसीबत में था, किसने मेरी मदद की? इसकी गाड़ी मुसीबत में थी, मेरा टायर निकल गया था। माँ मैं पानी लेके आता हूँ, लेके आता हूँ पानी लेके आता हूँ। मैं बताती हूँ क्या हुआ माँ जी। कहाँ से आ गई लड़की? आ बैल मुझे मार। भैया तुलसी तुलसी तेरे कदम मैंने कुछ नहीं किया तुलसी। मामी के गुस्से को शांत करने का कमीशन। तुलसी कसम से उसकी गाड़ी इधर ही खराब हो गई थी। संजोग की बात है, संजोग की बात है। आओ मामी ने मैंने कुछ किया ही नहीं। जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या सजा सोची है? तुम आरती को इसके घर छोड़ने जाओगे। तुमने अपना फर्ज निभाया, मुझे तुम पर फखर है। पापा पापा। कम माय डियर डार्लिंग डॉटर, मेरी गुड़िया रानी, चालू पर करो। आज के बाद तुम्हारी पढ़ाई खत्म, अब तुम यहीं रहो। यही तो मैं चाहती हूँ पापा। मगर तुम अचानक कैसे आ गई, मुझे खबर कर देती। खबर करती तो इतना ढेर सारा प्यार कैसे मिलता। यू क्लेवर गर्ल। विजय अंदर आओ ना। पापा ये विजय है। जी नमस्ते। नमस्ते। ये मदद ना करते तो पता नहीं क्या होता। क्या हुआ? मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अरे तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? डोंट वरी पापा, एकदम ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है। क्या नाम बताया आपने अपना? जी विजय, पहाड़ी सड़क के किनारे रहता हूँ, घोड़ों का बिजनेस है मेरा। तो तुम वही हो जिससे गंगवा बदमाश का झगड़ा हुआ था? जी हाँ, भाग गया वरना हाथ पैर तोड़ देता। विजय तुम पापा से बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय नौकर लेकर आ जाएगा बेटी। नहीं पापा, कल रात से अब तक दो बार इन्होंने मुझे अपने हाथ से चाय पिलाई है, अब मैं पिलाऊंगी। कल रात से? हाँ पापा, एक्सीडेंट कल शाम को हुआ था, रात भर में विजय के घर में थी। मैं आती हूँ। हाँ तो मुझे चाय बनानी है। सब आप शट अप।
ये क्या है? तुमने हमारी बेटी की मदद की, ये तुम्हारा इनाम। मैंने अपना फर्ज निभाया चौधरी साहब, लेकिन हम इसे एहसान मानते हैं और किसी का एहसान रखने की हमारी आदत नहीं है। दान लेने की इन हाथों को भी आदत नहीं है चौधरी साहब। दौलत किसी चीज की कीमत हो सकती है, एहसान का बदला नहीं। एहसान का बदला देना चाहते हो तो मुंह से सिर्फ एक लफ्ज कह दीजिए, शुक्रिया। गरीब को सब कुछ मिल जाएगा। गुड डे। पापा, विजय कहाँ है? चला गया बेटी। चला गया? हाँ, जल्दी में था, काफी रफ्तार थी उसकी चाल में। सूरत सिंह, जिसे देखने के लिए तुम मेरी मिन्नतें किया करते थे, मुझसे झगड़े किया करते थे, आज मैं उसी आदमी को तुमसे मिलाने के लिए लाया हूँ। कहाँ है वो भगवान का अवतार? मैं भी बुलाता हूँ। एक मिनट जनरल साहब, एक मिनट। जिस आदमी की वजह से सब कुछ है, आज वो देवता इस घर में पैदल चल के आ रहा है। माँ, अपना पवित्र शॉल मुझे दे दो, उस देवता का स्वागत करने से बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकता। नहीं सूरत सिंह, माँ की चादर पर चलने का अधिकार तो भगवान को भी नहीं दिया जा सकता। फिर मैं उस देवता को अपनी श्रद्धा कैसे दिखाऊं जलल साहब, कैसे दिखाऊं? मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, आप उस देवता को मेरे सामने ले आइए, मैं उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर उसका स्वागत करूंगा। मैं उसकी आरती उतारूंगी। मेरी तकदीर बनाने वाले, आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। अगर तुम नहीं होते तो आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते। शेर सिंह, साहब ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच्चाई है सूरत सिंह। यही है वो माली जिसने अपनी मेहनत से तुम्हारी जिंदगी के बाग को सींचा है। नहीं 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 नहीं, इन बातों को नहीं मानती। ये हत्यारा है, राक्षस है, मेरे पति का कातिल है। सूरज बेटे, सोच कह रहे हो, खत्म कर दो इस आदमी को। कैसे उठाओ इन हाथों को माँ, कैसे उठाओ? जितनी नफरत मुझे अपने बाप के कातिल से है, उतनी ही मोहब्बत मुझे अपने सहारा देने वाले से भी है। मोहब्बत भी मेरी, नफरत भी मेरी। किसको खत्म करूं, किसको खत्म करूं, किसको खत्म करूं? अर्जुन ने इंसाफ के लिए अपनों पर हाथ उठाया था, तुम एहसान की बंदिश में बंध रहे हो। तेरे पिता की आत्मा शांति चाहती है, तेरी माँ अपने दूध का हक मांग रही है। अगर तू कायर नहीं है तो चुका दे इस हक को बेटे, चुका दे। शेर सिंह, तुम मेरे हाथों अब बच नहीं सकता। जज साहब। शेर सिंह, याद कीजिए वो दिन जिस दिन मैंने चीख चीख कर आपसे इल्तिजा की थी कि मुझे मौत की सजा दीजिए, लेकिन आपने मुझे उम्र कैद की सजा दी, ये कहकर कि जिस दिन जेल की जिंदगी काटने के बाद मैं एक शरीफ नागरिक कहलाऊंगा तो उन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाऊंगा जो जुर्म की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो जुर्म की दुनिया से निकलना चाहते। लेकिन जज साहब, आज जब मैं एक शरीफ नागरिक की जिंदगी बसर कर रहा हूं, आपके कानून का एक रखवाला मुझे फिर उस मोड़ पर ले जाना जिस मोड़ से एक फौजी डाकू शेर सिंह बना था। कौन है वो? SSP सूरज सिंह, जिसने कानून की वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए मेरे बेटे विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, उसने मुझे भी जान से मारने की सौगंध खाई है। उसे उसकी मौत से बचा लीजिए जज साहब, वरना नफरत की वो चिंगारी जिसे 14 साल की तपस्या ने खत्म कर दिया था, अगर भड़क उठे तो सूरज सिंह के घर से लेकर इंसाफ के इस मंदिर तक आग ही आग नजर आएगी। शेर सिंह के इंतकाम की आग। अदालत बर्खास्त होने से पहले SSP सूरज सिंह को अदालत में पेश किया जाए। गीता पे हाथ रख के सौगंध खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा। मैं सिर्फ सच ही कहूंगा।
एसएसपी सूर्य सिंह, तुमने शेर सिंह के बेटे को गिरफ्तार कर रखा है? जी। किस जुर्म में? मैंने उसे इसलिए गिरफ्तार किया था ताकि अपने बेटे के लिए बेचैन होकर शेर सिंह मेरे सामने आ जाए। तुम ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि मैं इसे जान से मारना चाहता। तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि इसने मुझे यतीम किया है, मेरी मां का सुहाग उजाड़ा है। मेरा बाप इसे जिंदगी देने जा रहा था और इसने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये बात कब की है? आज से 15 साल पहले की। उस वक्त ये शेर सिंह डाकू था, लेकिन आज ये अपने पिछले जुर्मों की सजा भुग चुका है। इसके सजा भुगतने से वो जख्म नहीं भरा यो ऑनर जो बाप की मौत से मेरे दिल पे लगा था। मेरी मां की वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई जो पति की लाश को देख कर इसके दिल में जगी थी। वो सौगंध पूरी नहीं हुई जो मैंने अपने बाप की चिता पे खाई थी। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें कानून के फैसले का एहतराम करना चाहिए। इस मुकाम पे मैं कानून का नहीं जज्बात का एहतराम करता हूँ ऑनर। तुम झूठ बोल रहे हो सूरज सिंह। जिस इंसान ने लगातार 14 साल तक अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें भेजी हो, जिसकी वजह से आज पढ़ लिख कर तुम एक जिम्मेदार इंसान बने हो, जिसे तुमने पूरी जिंदगी अपना मोहसिन अपना भगवान माना हो, अगर उस इंसान के लिए तुम्हारे दिल में इज्जत नहीं है तो तुम्हारी ये सारी बातें, तुम्हारे ये सारे जज्बात छूटे। जला साहब। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि शेर सिंह ने डाकू बनकर सैकड़ों खून किए, हजारों घरों को लूटा, लेकिन सूरज सिंह के बाप की मौत इसकी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता बन गई। उस बेगुनाह की मौत ने इसे दरिंदे से इंसान बना दिया। यहां तक योर ऑनर कि इसकी अपनी पत्नी अपना बेटा सड़कों पर थक्के खाते रहे और ये अपनी कमाई का एक एक पैसा सूरज सिंह को भेजता रहा सिर्फ इसलिए कि सूरज सिंह जिंदगी में कुछ बन जाए। अब जरा ये सोचिए योर ऑनर, अगर शेर सिंह ऐसा ना करता तो आज सूरज सिंह की जगह शेर सिंह का बेटा वर्दी पहनकर ऑफिसर की तरह यहां पर खड़ा होता और सूरज सिंह अपनी मां के साथ सड़कों की खाक छान रहा होता। किसी के बाप को मारना, किसी का सुहाग उजाड़ने का बदला, अगर 14 साल अपनी कमाई भेजना है तो मुझे इजाजत दी जाए जज साहब शेर सिंह को मारने की। मैं भरी अदालत में वादा करता हूं कि मैं इसकी पत्नी और इसके बेटे को 40 सालों तक अपनी कमाई भेजता रहूंगा। जज साहब दे दीजिए इसे इजाजत, कर लेने दीजिए अपनी हसरत पूरी। लेकिन एक बात सुन लो सूरज सिंह, अब तुम्हारा टकराव किसी शरीफ नागरिक से नहीं बल्कि उस 14 साल पुराने डाकू शेर सिंह से होगा जिसके हाथ किसी का खून करते वक्त कांपते नहीं थे। अरे 40 साल का दावा क्या करते हो? 40 मिनट में तुम्हारी चिता इस धरती पर जल्दी नजर आएगी। तू 40 मिनट की बात करता है शेर सिंह, मुझे अपनी कसम पूरी करने के लिए सिर्फ 40 सेकंड चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत ने बहुत देर तक बहुत कुछ सुना और बर्दाश्त किया। एसएसपी सूर्य सिंह, शेर सिंह ने तुम्हारे पिता का खून किया और तुम शेर सिंह का खून करोगे? शेर सिंह का बेटा तुम्हारा खून करेगा और तुम्हारा बेटा शेर सिंह के बेटे का। अगर संसार इसी कानून पे चलता होता तो अदालत को तुम्हारे जिस्म पर चढ़ी इस वर्दी की ना कोई जरूरत होती ना अहमियत। सूर्य सिंह, अदालत तुम्हें हुक्म देती है कि शेर सिंह के बेटे विजय सिंह को फौरन रिहा कर दो और जिस शेर सिंह को तुम कत्ल करना चाहते हो उसकी जान की हिफाजत के जिम्मेदार आज से तुम हो।